हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम प्लैनेट में। दोस्तों, आज आपको जिस जगह की सैर करवाने जा रहे हैं, वहाँ के लोग पैसे कमाने से ज्यादा पैसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस सिटी के मैक्सिमम लोग आपको खानदानी रईस दिखेंगे। दोस्तों, आज आपको UAE के 7 अमीरातों में सबसे ज्यादा पॉपुलर और रिच सिटी दुबई की सैर पे ले चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दुबई UAE के 7 अमीरातों में से एक है। लगभग 4,114 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह शहर चारों तरफ से रेत से ढका हुआ है। दोस्तों, रेत से ढका होने के कारण इस शहर के उभरने के चांसेस ना के बराबर थे, पर अपने सारे मुश्किलों से लड़कर उभरा ये शहर अद्भुत है। दोस्तों, दुबई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि शायद जो कल आप जो सोच सके वो पहले से ही आपको दुबई में मिल जाएगा। कुछ साल पहले यहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। 1995 तक यहाँ सिर्फ एक ही ऊंची इमारत थी, पर आज 2021 में यहाँ हजारों ऊंची इमारतें हैं। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि दुबई के पास इतना पैसा आया कहाँ से। बहुत से लोग समझते हैं कि यह तेल की खदानों से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, तेल की खदानों से कमाया हुआ रेवेन्यू इस सिटी की रेवेन्यू का सिर्फ 1% है। आखिरकार दुबई इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे करने लगा, यह सब मुमकिन हो पाया यहाँ के रूलर के सोच के कारण। उनके सोच के कारण ही आज दुबई वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी है। अगर आप भारत से हैं तो दुबई जाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। दोस्तों, यहाँ की हर बड़े कैपिटल सिटी से दुबई के लिए फ्लाइट्स अवेलेबल है, जो आपको 5 से 6 घंटे के अंदर दुबई पहुँचा देगा। मुंबई जैसे शहर से तो कई क्रूज भी अवेलेबल है, जो कि समुद्र के रास्ते आपको दुबई पहुँचा सकता है। वैसे अगर आप दुबई जाने की सोच रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। यहाँ आपको कई ऐसे नियम का पालन करना होगा जो कि आपने शायद ही सुने होंगे। दोस्तों, यहाँ लड़कियों को तंग और छोटे कपड़े पहनने पर मनाइए, और अगर गलती से अपने पार्टनर को किस कर लिया तो दुबई की जेल की हवा खाने को तैयार हो जाइए। दोस्तों, यहाँ कपल को सिर्फ इसलिए 1 महीने की जेल की हवा खानी पड़ी क्योंकि उसने अपने पार्टनर को पब्लिक प्लेस में किस कर लिया था। वैसे यहाँ के रास्ते पे अपने पार्टनर के साथ ज्यादा रोमांटिक होकर पिक्स भी नहीं ले सकते। दोस्तों, है ना अजीब सी शर्तें। तो दोस्तों, कभी भी आप दुबई की सैर पे जाएं तो ये सारी बातों को ध्यान रखें। जितने सख्त यहाँ के कानून हैं, उतने ही सख्त यहाँ की पुलिस है। यहाँ की पुलिस को वर्ल्ड की बेस्ट सुविधा दी गई है। यहाँ की पुलिस BMW चलाती है। वैसे तो यहाँ की पुलिस गिनती में काफी कम है क्योंकि यहाँ हर जगह SPS यानी कि स्मार्ट पुलिस स्टेशन है, मतलब यहाँ ज्यादा काम टेक्नोलॉजी से करवाया जाता है। हो सकता है आप यहाँ के पुलिस स्टेशन जाएं तो आपको कोई इंसान ही ना मिले, क्योंकि स्टेशन में होने वाले सामान्य कार्य वहाँ के सिस्टम से ही किया जाता है। कंप्लेन करना हो तो आपको ऑनलाइन कंप्लेन करनी होगी, और किन्हीं की जानकारी लेनी हो तो सारी जानकारी आपको वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई जाएगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पुलिस की संख्या कम होने के कारण दुबई की पुलिस को बेहतरीन सुविधा दी गई है, जिससे वो दुनिया की फास्टेस्ट पुलिस कहलाती है। दोस्तों, दुबई की करेंसी दिरहम है, और ये भारत की करेंसी की वैल्यू से ज्यादा है। एक दिरहम भारत की लगभग 19 रुपये के बराबर है। यहाँ के मौजूदा रूलर सर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तोम है, जो कि UAE के प्राइम मिनिस्टर भी है। यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की पे है कि इसका उपयोग यहाँ हर छोटी से छोटी चीज़ों के लिए होता है। जैसे यहाँ आप अपनी गंदी कार रोड पे नहीं चला सकते, इसके लिए आपको फाइन देना पड़ सकता है, और इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स में इमेजेस बैकएंड में जाने के बाद तुरंत आपके अकाउंट से 200 दिरहम इस गलती के लिए काट लिए जाएंगे। अगर आप ट्रैफिक लाइट क्रॉस की तो आपकी पर्ची नहीं कटेगा, सीधे पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आप अपनी गाड़ी कहीं भी धो के उनके रोड को गंदा नहीं कर सकते। आपको अपनी गाड़ी वहाँ के क्लीनिंग सेंटर में ही क्लीन करवानी होगी। वैसे तो दुबई घूमने फिरने के लिए वाकई शानदार स्पॉट है। यहाँ की बीचेस आपका मन को मोह लेगी। यहाँ की चकाचौंध नाइट्स लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की जमीन ठोस नहीं है, फिर भी यहाँ हजारों की संख्या में ऊंची बिल्डिंग्स हैं। रेत से ढके इस शहर में जहाँ पीने की पानी की दिक्कत है, वहीं इन ऊंची इमारतों में लाखों गैलन पानी का रोज की खपत है। वैसे यहाँ की ऊंची इमारतें यहाँ की शान है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में है। वैसे तो बुर्ज खलीफा अब किसी की परिचय की मोहताज नहीं है। बुर्ज खलीफा को देखने उसकी सैर करना हर किसी को विश लिस्ट में शामिल होता है। इसकी लंबाई लगभग 828 मीटर है। बुर्ज खलीफा के नाम से कई उपलब्धियां शामिल है। सबसे ऊंचा आराम घर, सबसे ऊंची लिफ्ट, सबसे तेज लिफ्ट, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, सब आपको यही मिलेगा। इंसानों द्वारा बनाया गया आइलैंड पाम जुमेरिया बेहतरीन जगहों में से एक है। ऑलमोस्ट 900 फीट ऊंचा दुबई फाउंटेन का वाटर डांस बेहतरीन है। दुनिया के सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल भी दुबई में ही है, जहां दुनिया की सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना गोल्ड मार्केट भी आपको दुबई में ही मिलेगा।
दोस्तों यहाँ कई तरह के नायाब हीरे जवाहरात मिलेंगे। यहाँ एक 64 किलो की रिंग है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। दुनिया का एकमात्र 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब दुबई में ही है। दुबई का एक्वेरियम और अंडर वाटर जू शानदार है। दोस्तों अगर दुबई जाएं तो इन जगहों को जरूर एक्सप्लोर करें। दोस्तों दुबई की सड़कों पर सुपर कार्स का दिखना ये आम है। आपको वहाँ की सड़कें रेस ट्रैक जैसी दिखेगी। आपको वहाँ की सड़कों पे एक से बढ़कर एक फास्टेस्ट कार देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको वहाँ कीमती से कीमती कार्स भी वहाँ के डंप यार्ड में पड़ी मिले और वजह सिर्फ ये हो कि उनका मालिक वो कार चला चला के बोर हो गया है। जी हाँ जनाब, अगर ऐसा कहीं मिले तो समझ लेना आप दुबई में हैं। यहाँ के कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि वो कहाँ खर्च करें। कई लोगों ने शौक पूरा करने के लिए अपनी गाड़ी में सोने की परत चढ़वा ली है। तो कुछ का मन इससे भी नहीं भरा तो कुत्ते की जगह इन्होंने शेर और चीते को ही पालतू बना रखा है। जंगली जानवरों को पालतू बनाकर पालना इनकी अमीरी जताने का तरीका मात्र है। जी हाँ जनाब, ये जानवर सिर्फ और सिर्फ इनके अमीरी के शिकार हैं। कईयों का मन कार से उठ चला है तो खुद के घर पर हेलीपैड बना रखा है। दोस्तों जितना अजीब शहर है उतने ही नायाब यहाँ रहने वाले के शौक है। दोस्तों दुबई टोटली टैक्स फ्री कंट्री है। यहाँ आपको अपने कमाए गए रुपये को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। यह भी एक बड़ी कारण है जिसके कारण यहाँ पे लोग जॉब के तलाश में आते हैं। दोस्तों यहाँ की काली सच्चाई यह भी है कि यहाँ की ऊंची इमारतों को बनाने के लिए दूसरे देशों के लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने की लालच देकर लाया जाता है और उनसे 50 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी में 14 से 15 घंटे काम करवाया जाता है। इनके रहने और खाने की व्यवस्था बदतर होती है। एक ही कमरों में 14 से 15 लोगों को ठूस ठूस के रखा जाता है। एक ही बिस्तर को शिफ्ट के हिसाब से कई लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। यह एक जगह है सोनपुर जो इन मजदूरों का घर है। ये मजदूर अपने मन से घर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ आते ही उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। दोस्तों वैसे तो दुबई में कानून सख्त होने के कारण ये बिल्कुल करप्ट फ्री सिटी है। यहाँ किसी महिला से अभद्र व्यवहार करने पे सख्त सजा है। यहाँ बनाए नियम तोड़ने के कारण सीधे जेल जानी पड़ सकती है। ऐसे सख्त नियम होने के कारण यहाँ की आम जनता अनुशासित है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की जनता यहाँ के पॉपुलेशन का सिर्फ 15% है। बाकी लोग यहाँ दूसरे देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आके बसे हैं। दिन में जितने सख्त यहाँ के कानून हैं, रात उतनी ही रंगीन है इस शहर की। यहाँ नाइट्स लाइफ और बार में देह व्यापार का धंधा अपनी चरम सीमा पे होता है। इन जगहों पे कई लड़कियाँ 1000-1500 दिरहम में अवेलेबल होती है। इनके रेट्स भी यहाँ के मैनेजर डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अनोखे फैक्ट दुबई के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, गुड बाय।